मटर पनीर की सब्जी ही तो आप लोगों ने कभी ना कभी घर पे बनाकर खाया ही होगा, पर इतने आसान तरीके से और जिसका स्वाद भी बहुत लाजवाब हो। तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करके जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। मटर पनीर के लिए ले लें आप 250 ग्राम फ्रेश पनीर और 1 कप फ्रोजन मटर। मसाले के लिए लिया है मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च, 2 इंच टुकड़ा अदरक का और 3 लहसुन की कलियां। सूखे मसाले में लिया है मैंने 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 बड़ा चम्मच बेसन का। कढ़ाई में पहले आप 2 चम्मच तेल डाल दें। पहले हम सारे मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे। गैस आप मीडियम ही रखिएगा। तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें आप प्याज को काट कर डाल दें। प्याज को आप रफली चॉप कर सकते हैं क्योंकि बाद में हम इसका पेस्ट बनाएंगे। और याद रखिएगा, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है ब्राउन होने तक, बस इसे हल्का सा 1 मिनट के लिए बस हमें पका लेना है। ये देखिए प्याज थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब इसके साथ ही हम जो अदरक लहसुन और मिर्च थी उसे भी रफली चॉप करके डाल देंगे। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें ताकि ये नीचे से बिल्कुल जले ना, और बस अदरक और लहसुन की जब स्मेल चली जाए, ये करने में आपको सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। ये देखिए, और उसके बाद आप डाल दें रफली चॉप कटे हुए टमाटर। हमें यहाँ टमाटर को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सिर्फ उतना ही पकाना है कि ये जो टमाटर है वो हल्के से नरम हो जाए। और आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। टमाटर को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए आप इसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर पकने दें। और 1-2 मिनट के बाद देखिए टमाटर जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। और बस इसे अब आप थोड़ा सा प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लें और मिक्सर में इसे एक ग्राइंड करके एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लें। मैंने इसमें पॉट में डायरेक्ट डालकर ठंडा किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर याद रखिएगा इसे गर्मा गर्म बिल्कुल भी आप ना पीसें। सेम कढ़ाई में आप डाल दें 2 चम्मच तेल। ज़्यादा तेल ना डालिएगा क्योंकि जो मसाले को भूनते वक्त भी हमने तेल का यूज़ किया था। यहाँ पर भी आप गैस मीडियम ही रखिएगा। ये देखिए आपको ऐसा एक पेस्ट बना लेना है स्मूथ। और तेल जब गर्म हो जाए आप उसमें डाल दें खड़े मसाले। मैंने पहले तेज पत्ता डाला है उसमें, और फिर तेल तेज पत्ता को थोड़ा सा चलाने के बाद आप उसमें डाल दें बड़ी इलायची। और उसके बाद आप डाल दें जीरा। जीरा को थोड़े सा आप क्रैकल होने दें, मतलब फूटने दें। ये देखिए मैंने कैमरा थोड़ा हाई स्पीड में चलाया है इसीलिए ये हल्का सा ब्लर दिख रहा है, ताकि मैं रेसिपी आपको जल्दी से जल्दी बता सकूं। और जब जीरा हमारा अच्छे से फूट जाए उसके साथ ही आप डाल दें कश्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ तेल में ही सूखे मसाले डाले हैं ताकि सब्जी में उसका कलर बहुत ही अच्छा आए। ये देखिए, अगर आपको सब्जी में कलर नहीं चाहिए ज़्यादा तो आप ये मसाले बाद में भी डाल सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने डाल दिया है बेसन। बेसन डालने से ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है। आपने अगर मेरी लौकी के कोफ्ते की रेसिपी भी देखी होगी तो उसमें भी मैंने बेसन का यूज़ किया है। ज़्यादातर मैं ग्रेवी वाली सब्जी में बेसन का यूज़ करती हूँ। और बस आपको इसे 1 मिनट के लिए ही चलाना है, और 1 मिनट चलाने के बाद आप उसमें पिसा हुआ मसाला डाल दें। मसाले को जल्दी पकाने के लिए आप उसमें डाल दें अपने स्वाद के अनुसार नमक। तो सब्जी में आपको जितना नमक चाहिए आप उसे यहीं पर डाल दें।
नमक डालने से ये बहुत ही जल्दी पक जाएगी। तो ये मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। और इसके बाद आप इसमें डाल दें धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तो अगर आपको मिर्च यहाँ पर डालनी है, मिर्च और हल्दी, तो आप उसे यहाँ पर भी डाल सकते हैं, पर अगर आप उसे तेल में डालेंगे तो उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। गैस का फ्लेम आप लो हो कर दें ताकि ये जो मसाला है वो जले ना, और इसे ढककर आप 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। बीच बीच में आप बिल्कुल इसे चेक करते रहिएगा। ये देखिए मसाला अभी थोड़ा और पकना बाकी है, ये अभी पूरी तरीके से नहीं पका है। गैस आप लो ही रखें याद करके, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। और इसे ढककर 1 मिनट के लिए मैं और पका रही हूँ। और ये देखिए अब ये मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। इसमें बहुत ही अच्छा जो कश्मीरी मिर्च का कलर है वो आ चुका है। और ये जब मसाला हमारा ऐसा पक के रेडी हो जाए, जब ये एक दूसरे से चिपकने लगे और कढ़ाई छोड़ने लगे, तब आप उसमें डाल दें मटर। अगर आपके पास ताजे हरे मटर हैं जो ठंड में मिलते हैं, तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर यूज़ किया है। और बस मटर को 1 मिनट के लिए आप मसाले के साथ पका लें ताकि उसमें मसाले का फ्लेवर और नमक अच्छी तरीके से आ जाए। और इसमें आप ढक्कन लगा दें ताकि ये जल्दी से पक जाए। और बाद में मैंने इसमें 1.5 कप गर्म पानी डाला था जो कि रिकॉर्डिंग करने से रह गया। तो आप इसमें 1.5 कप गर्म पानी ही डालिएगा और गैस को मीडियम फ्लेम में रख दीजिएगा और इसे 5 मिनट तक आप पकने दें। और 5 मिनट ढककर पकाने के बाद ये देखिए इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है सब्जी में। जो मटर है वो भी अच्छे से पक गए हैं। और बस अब ये सही वक्त है कि आप इसमें कटे हुए पनीर डाल दें। आप चाहें तो पनीर को पहले तेल में फ्राई करके फिर भी इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, पर मुझे पनीर जो है वो फ्रेश ऐसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर उसमें आप 1/2 चम्मच कसूरी मेथी का डाल दें। कसूरी मेथी मैं हमेशा अपने सब्जी में डालना बहुत पसंद करती हूँ, इससे सब्जी का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। और 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दें, क्योंकि पहले भी हमने गरम मसाला इसमें डाला हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही कम गरम मसाला डाला है। और बस आप ढककर इसे 2 मिनट के लिए और पकाएं। अगर आपको जल्दी में ये सब्जी बनानी है तो आप मटर और पनीर एक साथ डालकर कुकर में 1 सीटी के लिए भी आप इसे पका सकते हैं। और ये देखिए मटर पनीर की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म चावल और चपाती के साथ सर्व करें। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट और लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।